लगातार हम बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एक और बड़ी खबर दर्शकों को पहुंचा दें, कुशीनगर से आपको बड़ी खबर बता दें। यहाँ पर बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस प्रदेश अजय कुमार यहाँ पर तीसरे स्थान पर है। यदि रायबरेली की बात करें वहां पर बचरावा से सपा आगे चल रही है। यदि बात कर ली जाए हरचंदपुर से, वहां पर भी सपा आगे चल रही है। और बात करें सलोन की, वहां पर भी सपा आगे चल रही है। तो हर एक अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल सलोन से, हरचंदपुर से और बचरावा से यहां पर सपा आगे दिखाई दे रही है। राजेश, बिल्कुल उत्तर प्रदेश से खबर है। आपको बता दें कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू, वो तीसरे नंबर पर अपनी सीट से चल रहे हैं, जबकि तीन बार के लगातार विधायक हैं, वो अपनी सीट से तीसरे नंबर पर जा रहे हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़े हुए हैं। आनंद जी, आपके पास जाना चाहेंगे, ये क्या प्रमोद कुमार जी मिठाई बांट रहे हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं, क्या है ये ओवर कॉन्फिडेंस है या जनता पे भरोसा है, क्या है ये? जनता पर भरोसा है, ऐसे जीत सुनिश्चित होने के बाद मिठाई बांटना ज्यादा उचित रहता, लेकिन प्रमोद जी चूंकि क्षेत्र में काम कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश में पूरे घूमे हैं, तो उनको इस बात का आकलन है और जनता पर विश्वास है कि जनता अपने भविष्य को लेकर के ही वोट की है और वो सुदृढ़ और करेगी, विजय को और आगे बढ़ाएगी। जब जब और वोट गिनती होंगे तो आगे ही बढ़ेगा, इसलिए वो आश्वस्त हैं और ठीक है, मिठाई तो बांटना चाहिए, खुशी का पल है। बिल्कुल आनंद जी, देखिए 335 सीटों के रुझान इस वक्त उत्तर प्रदेश के हमारे सामने हैं। 200 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 121 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार इस वक्त आगे चल रहे हैं। उत्तराखंड में 34 सीटों पर बीजेपी और 33 सीटों पर कांग्रेस। तो लोकतंत्र में जिसे आप